कांग्रेस पार्टी के सामने एक से बढ़कर एक मुसीबत सामने आ रही है। एक अकेले नरेंद्र मोदी के खौफ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों में ऐसा डर पैदा हो रहा है कि बड़े से बड़े कांग्रेस नेता भी सीट बदलने के लिए आतुर दिख रहे हैं। ये चुनाव के परिणाम से पहले का डर है। कहने को बड़े कांग्रेस नेता हैं, लेकिन डर है कि मोदी लहर में हार गए तो किसी को क्या जवाब देंगे, इसीलिए हर कोई सीट बदलने पर उतारू है। राशिद अल्वी नाम तो जानते ही होंगे, कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। पार्टी ने यूपी के अमरोहा से इस बार टिकट दिया, बावजूद इसके अल्वी साहब ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने बहाना तो बनाया है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन इसके पीछे बात कोई और है। बताया जा रहा है कि राशिद अल्वी अमरोहा से चुनाव लड़ने के लिए कई महीने से तैयारी में लगे थे, लेकिन अचानक क्या हो गया कि अल्वी साहब को रण छोड़कर निकलना पड़ रहा है, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा। वैसे अनुमान है कि अल्वी साहब को लग रहा था कि सपा बसपा गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल रहती तो उन्हें फायदा मिलता, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो राशिद अल्वी चुनाव लड़ने से ही मना कर गए। अब कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को ही देखिए। पार्टी ने मुरादाबाद से टिकट दिया तो बब्बर साहब वहां से निकल लिए, अब फतेहपुर सिकरी पहुंच गए हैं। इसके पीछे की कहानी यह है कि राज बब्बर को खबर थी कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे सकती है। ऐसे में राज बब्बर साहब को अंदेशा हो गया कि मुस्लिम वोट तो मिलेंगे नहीं, फिर ऐसे में रण छोड़कर निकल लेने में ही फायदा है। फिर सारे नेताओं को डर यह भी है कि इन सीटों पर पहले से ही बीजेपी के सांसद हैं, ऐसे में यह डर जायज भी है। राज बब्बर फतेहपुर सीट पर इसलिए गए क्योंकि वहां से तीनों हिंदू प्रत्याशी हैं, ऐसे में मुस्लिम वोट के सहारे राज बब्बर अपनी नैया को पार लगाने में जुटे हुए हैं। अब बात जितिन प्रसाद की। कहने को जितिन बाबू भी बड़े कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन धरहरा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इस सीट पर पहले से बीजेपी का कब्जा है, पिछली बार यहां से चुनाव हार चुके हैं, ऊपर से इस बार बीएसपी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे दिया है। ऐसे में अपने गढ़ में होने के बावजूद जितिन प्रसाद को डर है कि उन्हें मुसलमानों का पूरा वोट नहीं मिलेगा और वो चुनाव हार सकते हैं। बीजेपी के खौफ से काफी पहले से कांग्रेस पार्टी तरीके तरीके की रणनीति बनाने में जुटी है। ऊपर से सारे दिग्गज कांग्रेसी नेता मैदान छोड़कर निकल रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस के माहौल को और भी बड़ा झटका लगेगा उत्तर प्रदेश में, और फायदा बीजेपी के पक्ष को होगा। ऊपर से एक बात और है कि प्रियंका गांधी के दौरे के बाद भी अगर बड़े कांग्रेस नेता सीट बदल रहे हैं तो ये संकेत कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भी तरीके से शुभ तो बिल्कुल नहीं है।